अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ व्यूवर्स। अच्छा, आज की मेरी वीडियो जो हफ्ते को लोड होती थी, ये मैं कुछ दिन मेरे आगे निकल गए, तो आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है वर्म एंड गेयर एंगल कैलकुलेशन। याद रखिएगा, जो वर्म का एंगल होगा उसी को ही हमको गेयर का एंगल देना पड़ेगा, नहीं तो तीत बैठेगा नहीं। तो मुझे जो डेटा मिला वो है वर्म डाया 60 mm, यानी 2.3622 इंच, DP 6, नंबर ऑफ स्टार्ट 4, यानी नंबर ऑफ स्टार्ट मेरे पास 4 है। तो सबसे पहले पिच, हम पिच मालूम करते हैं। पिच होती है, पिच का फार्मूला आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंच के अंदर DP 3.1416 डिवाइडेड बाय DP, यह आ गया 0.5236 इंच। तो ये हो गई पिच आपकी। अब नंबर 2 पर आती है लीड। लीड आपको पता है क्या होती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिच मल्टीप्लाई एल, नंबर ऑफ स्टार्ट। ये हमारे पास पिच क्या है, 0.5236 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास लीड आ गई 2.0944, ये हमारी लीड आ गई। अब नंबर थ्री पर है हमारे पास एडिंडम, ADDEN DUM एडिंडम, ये बराबर होता है, इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय DP, 1 डिवाइडेड बाय 6, 0.166 इंच, ये आंसर आ गया। अच्छा जी, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इस पोर्शन को, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं पिच डाया इसका मालूम करूँगा। अब हाँ, नंबर 4 पर है हमारा, वो मैंने रिमूव कर दिया 2 से 3 तक का। अब हमें पिच डाया मालूम करना है। पिच डाया देखें, बराबर होता है OD माइनस 2 एडिंडम, ADDENDUM एडिंडम, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास OD क्या है, ये रहा OD। चले जी, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2.3622 इंच माइनस टू मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये लोग आप जानते हैं इस बारे में अच्छे तरीके से, 0.166। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास 2.3622 इंच माइनस 0.33332। ये इतने सारे इशारे के बाद इतने सारे डिजिट लेते हैं ताकि हम एंड में राउंड करें ना, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास पिच डाया बराबर आ जाएगा 2.02882 इंच, ठीक है। ये आ गया हमारा एक आंसर कि पिच डाया हो गया। ओके, ये नोट कर लें, क्योंकि अब मैं सारा मिटा दूंगा। अब हमें कॉट मालूम करना है, नंबर 5। अब हमें कॉट मालूम करना है। कॉट, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पाई मल्टीप्लाई पिच डाया डिवाइडेड बाय लीड। अच्छा, हेलिकल के अंदर भी यही चीज़ होती है। तो हमारे पास जो है पाई की वैल्यू 3.1416, पिच डाया हमारे पास क्या आया था, 2.0282 इंच, डिवाइडेड बाय लीड हमारे पास क्या थी, 2.0944 इंच। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6.37392948। मैंने आपको पहले बताया कि इशारे के बाद इतने सारे डिजिट यूँ ले रहा हूँ ताकि जब हम राउंड फिगर करें तो हमें कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। 2.0944 इंच, ये भी इंच है। अच्छा जी, जब हम इसको डिवाइड करते हैं इससे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है
कॉट 3.0433। अच्छा अब इसको मैं राउंड कर लेता हूँ, राउंड से मुराद जो मेरे पास नीरेस्ट वैल्यू है 0.47, ये तकरीबन आ गया 18 डिग्री 10 मिनट। ये मैंने वैल्यू चेक करी, ये लमसम या तो 9 मिनट हो रही होगी या 11 मिनट हो रही होगी, तो मैंने इसको राउंड कर लिया। जो मेरे पास कोटेजेंट के अंदर वैल्यू थी 18 डिग्री 10 मिनट, बेसिकली 18 डिग्री ही होती है, लेकिन जो कि हमें कैलकुलेशन सही करनी होती है तो हमें इसकी करेक्ट कैलकुलेशन के लिए ये हल करना पड़ता है हमें। तो हमारे पास, और याद रखें ये तो हो गया वर्म की भी डिग्री हो गई और गेयर की भी 8 डिग्री होगी, क्यों? क्योंकि गेयर के दांत तिरछे होंगे तो वर्म उनको इन डिग्री पे मूव कर सकेगा। ठीक है, कोई भी सवाल हो कमेंट्स में आप मुझसे कर सकते हैं। याद रखिएगा ये मैंने सीरियल नंबर फाइव तक मैंने आपको ये करवाया, इसका मतलब ये 5 फार्मूलाज हैं जो हम यूज़ करते हैं। ये बड़ा अहम फार्मूला है, बड़ी अहम चीज़ है, इसको याद करें और मुझे कमेंट्स में इसके बारे में बताएं। ये काफ़ी अहम चीज़ें और सैलरी में इजाफे का बाइस बनती हैं। इसके साथ ही शाहिन निसार को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।